छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल में कल सिलीगुड़ी में यह पूछ कर कि आप कहां से आए हो, और जब वो कहता है कि बिहार से आए हैं, तो बिहारी छात्रों के साथ जिस तरह से मारपीट और गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया गया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। बिहारी छात्रों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बिहार के लोग और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यह साबित कर दिया यह घटना कि पश्चिम बंगाल में सत्ता नाम की कोई चीज नहीं है, सत्ता का इकबाल शासन प्रशासन से बिल्कुल खत्म हो गया है और अराजकता की स्थिति है। सत्ता के संरक्षण में अपराधियों द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलाना, ममता बनर्जी बंद कीजिए। क्यों लगता है कि नफरत क्यों है ममता दी को? वो बांग्लादेशियों का स्वागत करती हैं, वो बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई हैं, सत्ता चलाने में नहीं लगी हुई हैं। इसलिए वहाँ सरकार नाम की चीज खत्म हो गई है, सत्ता का जो इकबाल था वो शासन प्रशासन से बिल्कुल खत्म है। पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति है, और जो सरकार खुद बलात्कारियों को बचाने में लगी हो वो सरकार भला इंसाफ कैसे दे सकती है? अब उनको बने रहने का सत्ता में कोई अधिकार नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, छात्रों पर जो दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार के छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल में कल सिलीगुड़ी में यह पूछ कर कि आप कहां से आए हो, और जब वो कहता है कि बिहार से आए हैं, तो बिहारी छात्रों के साथ जिस तरह से मारपीट और गाली गलौज की घटना को अंजाम दिया गया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। बिहारी छात्रों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बिहार के लोग और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यह साबित कर दिया यह घटना कि पश्चिम बंगाल में सत्ता नाम की कोई चीज नहीं है, सत्ता का इकबाल शासन प्रशासन से बिल्कुल खत्म हो गया है और अराजकता की स्थिति है। सत्ता के संरक्षण में अपराधियों द्वारा इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलाना, ममता बनर्जी बंद कीजिए। क्यों लगता है कि नफरत क्यों है ममता दी को? वो बांग्लादेशियों का स्वागत करती हैं, वो बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई हैं, सत्ता चलाने में नहीं लगी हुई हैं। इसलिए वहाँ सरकार नाम की चीज खत्म हो गई है, सत्ता का जो इकबाल था वो शासन प्रशासन से बिल्कुल खत्म है। पूरे पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति है, और जो सरकार खुद बलात्कारियों को बचाने में लगी हो वो सरकार भला इंसाफ कैसे दे सकती है? अब उनको बने रहने का सत्ता में कोई अधिकार नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, छात्रों पर जो दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। थैंक यू।